बना हुआ है इलेक्शन को लेकर, तो क्या किसानों का असर उस पर पड़ेगा इलेक्शन? देखिए जैसे बंगाल में पड़ा, मैं अपने पिताजी डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ सुजानगढ़ गया था, वहाँ पे पूरा विरोध रहा है मेरा अपने पिताश्री के साथ, वहाँ पे हमारी पूरी टीम गई थी और वहाँ पे हमारी जीत हुई। ऐसे ही बंगाल भी गए थे हम, और इसमें हम जब दूरी की जब दूर जाना होता है तो हम पहले हम जब पास के जो एरिया होते हैं उसमें गाड़ी यूज़ करते हैं। अगर जैसे अभी हमने बंगाल गए थे तो हमने फ्लाइट का यूज़ करा, फ्लाइट से गए थे। ऐसे दूरी होती है जो दूर की होती है उससे फ्लाइट से जाते हैं। वहाँ पे हम बंगाल गए, वहाँ पर भी हमारी जीत हुई। ऐसे ही अब यूपी में भी होगी, फिर पूरे देश में होगी। अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो ये गद्दी वापस करेंगे। आपके बारे में लोग बोलने लगे हैं कि आपका ब्रेन वॉश किया गया, सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं, यानी आपके पेरेंट्स या जो भी हो आपको ये ज्ञान देते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। देखिए कोई जहर नहीं खोल रहे, ठीक है। जो सच है उसको सच कहा जाएगा, जो सही है वो सही कहा जाएगा, गलत को गलत ही कहेंगे हम किसान, जो सही है उसको सही कहा जाएगा। अगर ऐसे आप आरोप लगाओगे तो फिर नहीं चलने वाला। तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई गलत कानून बनेगा, अगर कोई गलत चीज होगी तो पूरा आंदोलन होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि उनकी सरकार हो, मुख्यमंत्री किसानों का हो? देखिए अभी तो नहीं कहता कि मैं अभी लड़ूं, मैं कहता हूँ एक पार्टी बना के रखी, बाकी उनके हाथ में, किसानों के हाथ में, किसान नेताओं के हाथ में कि क्या करना। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक पार्टी बना लो, मेरा सजेशन है। जितने भी किसान हैं, जो किसान जिनको आप किसान नेता कहते हैं, जिन लोगों को उनको मैं किसान कहूँगा, तो जितने भी किसान हैं वो फैसला कर लें कि क्या करना है। बाकी मेरा एक सजेशन है और मैंने पहले भी दिए हुए हैं सजेशन, तो उसमें मेरे हिसाब से तो किसान अपनी खेती करे, अपनी मौज में मस्त रहता है। किसान को राजनीति छोड़ो, अपना काम करो। बाकी राजनीति में किसान नहीं आएंगे तो आप ऐसे आंदोलन ही करते रहेंगे ना? करेंगे। हमें जाओ जिन किस अब मैं इन किसान हैं यहाँ पे बहुत सारे, इनसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ, राय ले लेते हैं इनकी। अब बताओ आप सब में से कितने चाहते हैं कि किसान लड़े चुनाव? हाथ खड़े कर दें जितने चाहते हैं। किसान के पास इतना पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है। नहीं, फंड की चिंता छोड़िए, आप साफ साफ ये बताइए कि लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, इतना बताइए। फंड की चिंता मत लीजिए, पहले इतना बताए, कोई नहीं है ना, खेती में ही खुश है। देख लीजिए, सुन लिया आपने इन लोगों का, अब बताइए कौन चाहता है कि ये ना लड़े चुनाव, नहीं लड़ना, अब हाथ खड़े कर दे वो। अगर देखो आपको चुनाव नहीं लड़ना है, किसानों को नहीं लड़ना, पार्टी नहीं बनानी है, तो हाथ खड़ा करो। हाँ। नहीं क्या? फिर सपोर्ट होगा आप लोगों का। नहीं, मतलब ये किसान जो है इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते, तो सिर्फ आप लोग वोट ही करेंगे। हाँ, ये सोच और हम ये जो किसान हैं ये करेंगे, बस बीजेपी को वोट ना। लेकिन आपके लिए जो सरकार आएगी तो आप किसी सरकार से खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई कानून लाता रहेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर आंदोलन? देखिए जो भी गलत करेगा उसका विरोध तो होगा। अब हमने बीजेपी को इतनी बार लाए हैं, अब कोई नया टेस्ट ले लो, अब कोई नया लाओ। सवाल फिर वही रहेगा, देखिए नया, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा और अब भी कहूँगा और कहता रहूँगा कि भाई ये सारे किसान जो हैं ये फैसला करेंगे, ठीक है, मैं कुछ फैसला ही नहीं कर रहा, मैं साफ साफ कह दिया मैं नहीं करूँगा। अगर किसान फैसला परलोक से नया मंत्री उतर के आएगा क्या? अरे यार तुम, आप देखो आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई नया क्वेश्चन लाया करो, एक ही क्वेश्चन बोर हो जाता है यार बंदा, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं यार। वही कहूंगा, आपकी बात और राकेश टिकैत जी की बात और बाकी जो किसान है सबकी बात, सवाल जवाब अधूरा रहता है, जवाब कोई अधूरा नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि बस आप लोग कहते हैं कि वोट बीजेपी को छोड़ के किसी और को देना। हाँ। तो देना किसको है भाई? किसी को भी दे दो, बस बीजेपी को वोट ना दो। नोटा में डाले है? नोटा में जिसको डालना है डाल दो, नोटा में डाल दो, किसानों के हाथ में किसको डालना है, पर बीजेपी को मत डालना। वो जो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है उसको नहीं डालना, जिसने 500 किसानों की शहीद जो हो गए उनके ऊपर 2 मिनट का मौन नहीं रखा संसद में, जो भी
शहीद होता है, कोई भी नेता मरता है, भगवान ना करे कोई नेता मर जाए, ठीक है, उसके लिए मौन रखा जाता है, और रखा भी गया संसद में जो अब चल रही है, इसमें रखा भी गया, मैंने खुद देखा, मैं रोज देखता हूँ, इसमें रखा भी गया है। लेकिन जो भक्त तो पर वो किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? जो भक्त लोग हैं वो आपको किसान क्यों नहीं मानते? बोलते हैं जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, हाँ। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसान ही नहीं है, मतलब नकली किसान है। हाँ, तो क्या कहना चाहते मवाली? हाँ, इसका मतलब नकली किसान है। हाँ, वो कहना चाहते हैं मवाली। अगर देखो हम ये होते ना मवाली, खालिस्तानी, जो भी कह लो तुम, ठीक है, जो भी कहिए, ये जो किसान है ना, अगर ये नकली किसान होता, खालिस्तानी होता, मवाली होता, तो एक जो एक किसान भी अगर शहीद हो जाता ना, तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये सारे भाग जाते, ये सारे चले जाते। अगर ये असली किसान है इसलिए यहाँ पे बैठा है, अपने हकों के लिए है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मैं पूरे किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ फ्यूचर में? मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते? किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह। मैं अपनी तरह, जवाहरलाल नेहरू। किस देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में, किसानों बात कर रहे हो हैं, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनसे भी राय ली जाएगी, वोटिंग हुआ करेगी, ठीक है, दो डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है, हर जगह जगह पे, जगह जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। हाँ जी, पहले क्या करना चाहोगे प्रधानमंत्री? आप कर लो पहले, आप कर लो। सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप प्रधानमंत्री बनकर? सबसे पहले तो मैं, सबसे पहले देखो किसानों के लिए जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूंगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊंगा हर जो वो होता है गांव उसके चौराहे पे। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जो बेरोजगारी, यस बेरोजगारी, और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है वो। देखिए यहाँ आप, आपको लगता है आप खुद छात्र हैं, एक मिनट, आप खुद छात्र हैं, लेकिन छात्र भी अपनी जॉब को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उनको जॉब नहीं लगी है। आप आगे जाके पहले छात्र बनेंगे, प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, क्या करेंगे आप ऐसे छात्रों के लिए? छात्रों के लिए मैं करूँगा कि उनको जो चाहिए उस पर विचार करा जाए, उस पर मैंने अभी आपको बताया एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? बिल्कुल, मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे, अपना फील्ड बना रहे। देखिए अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये, कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है बीजेपी पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी। सारे यही करते हैं, तो प्लीज़ देखिए मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए होगी। अंधभक्त, अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त मैं किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है जो भी मिलता है, सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक है, इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, पार्टी कौन से ज्वाइन करोगे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया, नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब कुछ, ठीक है, चलो फिर आगे के लिए भी कुछ रहने दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.